मैं हूं मारिया वास्ती और आप देख रहे हैं करोड़ों में खेल, वो शो जहां खुशियां बांटने का सिलसिला कभी नहीं थमता, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के एपिसोड में। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा हमारी कंटेस्टेंट हिना थी जो यहाँ तक पहुँची थी आर पार के बाद। उन्होंने सही जवाब दिया था और सबसे पहले जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था इसलिए वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और खेल का आगाज करेंगी। देखते हैं कि वो सीट पर कब तक टिकती हैं, टिक भी सकती हैं कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट, प्लीज़ वेलकम हिना। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? फाइन। ठीक हैं आप? जी। अच्छा, पिछले एपिसोड में क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था तो हम बात कर रहे थे आपसे और आप हमें अपनी फैमिली के बारे में भी बता रही थी कि आप सबसे छोटी हैं लेकिन आप सबसे बड़ी हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपकी शादी भी होने वाली है, तो आप थोड़ा सा शर्मा भी रही हैं, है ना? तो ऐसे कैसे हुआ दैट यू हैड टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ये कैसे हो गया? पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो उसके बाद। आपके बड़े भी तो थे बहन भाई? बड़े थे भाई, मतलब वो इतना संभाल नहीं सकते थे मतलब। तो अच्छा। मैं थी तो कहा जाता है कि बहुत समझदार हूँ। हाँ, बट आपने ये भी तो बताया था कि आपकी अम्मी जो थी वो आईसीयू में लास्ट टाइम जो थी तो उन्होंने पता नहीं क्या मुझे सजेस्ट किया था कि आप ही ने मतलब संभालना है, अब आप बड़ी हो। मैंने कहा अम्मी इस तरह की बात आप मुझसे नहीं करो, नहीं बस अब तुम्हें घर देखना है और ये भाई। पर उन्होंने आपके अंदर देख लिया होगा ना कि ये सेंसिबल है और इसके अंदर शायद वो पेशेंस है जो ये संभाल लेगी। तो ज़ाहिर है पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है अपने बच्चों के बारे में। सो वेलकम टू द शो, आप यहाँ पे आ गई हैं, इट्स रियली गुड। मैं आपको थोड़ा शो के बारे में बताऊंगी, बीच में गपशप भी होगी, बातें भी होंगी और जैसे जैसे इनामात जीतने का सिलसिला बढ़ता जाएगा तो ये सीट जो है हॉट होती जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है। सवाल आएगा, चार ऑप्शंस होंगी, ये आपके पास तीन लाइफ लाइन्स हैं। भरोसा करो, आप अपनी ऑडियंस से मदद ले सकती हैं। जो भी जवाब होगा ये अपनी मर्जी से आपको प्ले कार्ड ए बी सी डी ऑप्शन का जवाब देंगे, लेकिन चूज़ तो आपने करना है कि वो सही है या गलत है, वो आपकी मर्जी है। करोड़ों की कॉल है, आप किसी को भी कॉल में ला सकती हैं, एनी बडी जो आपको लगता है कि जो इस आपके सवाल का जवाब सही दे सकता है या आपकी मदद कर सकता है। और बंटी और बबली ये दोनों बैठी हैं, आप इनसे मदद ले सकती हैं, लेकिन ये आपको मिसगाइड भी करेंगी, ये एक दूसरे को भी मिसगाइड करती हैं। जी जी, मुझे तो इनका रिलेशनशिप अभी तक समझ नहीं आया कि पता नहीं ये यहाँ पे बैठी कैसे रहती हैं, इनकी हर वक्त इनकी लड़ाई होती रहती है। अभी वहाँ पे मेकअप रूम में भी इनकी लड़ाई हो रही थी, एक ने एक स्टाइल बनाया तो उसने कहा तुमने मुझे कॉपी कर लिया तो जाके चेंज करके आओ ना, इस तरह इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो आपकी मदद करेंगी ना, हो सकता है वो उसका ऑपोजिट हो, तो आपको ज़रा सेंसिबली, क्योंकि आप मुझे सेंसिबल लग रही हैं तो अपनी फैमिली को आप संभालती रही हैं, तो आपने इनकी बातों में नहीं आना, ठीक है? ज़रा ध्यान से, ये हो गई आपकी तीन लाइफ लाइन्स। अब ज़रा हम इनामात की तरफ आ जाते हैं जो आप जीत सकती हैं। गिफ्ट मंजिल, चार सवाल हैं इसमें। पहले सवाल का सही जवाब देने पर 5000 कैश एक की तरफ से। दूसरे सवाल पे ज्वेलरी सेट है, शादी हो रही है तो यू नो आपको शादी में काम आएगा, हैश की तरफ से। थर्ड क्वेश्चन, ब्रांडेड वॉच दूल्हनिया को दी जा सकती है, ये है रिबेल की तरफ से। फोर्थ जी, 40 इंच LED आई स्टेक की तरफ से, ठीक है? ये हमारी गिफ्ट मंजिल हो गई। जब हम इससे आगे जाएंगे तो ऐश मंजिल है। फिफ्थ क्वेश्चन, सही जवाब, सारा कुछ जो आपने जीता है गिफ्ट मंजिल में वो सब आपको मिल जाएगा। छठे सवाल पे 150,000 कैश, कैश की बड़ी वैल्यू होती है आजकल, आजकल नहीं हमेशा ही होती है, पैसे की तो वैल्यू रही है। और सातवां सवाल पे 250cc बाइक, और आठवें पे लग्जरी बेडरूम सेट है हमारे पास आपके लिए। ऐश मंजिल खत्म, नाउ वी गेट टू कैश मंजिल। नाइन्थ क्वेश्चन पे उमरा पैकेज टू पीपल। दसवां सवाल सही, 30 तोला सोना, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, 11th क्वेश्चन पे डायमंड सेट, ये तो पूरा शादी का इंतजाम हो गया। 12th है जी आप मर्सिडीज, और जो बम्पर प्राइस है सबसे बड़ा। 13th क्वेश्चन पे वो है अपार्टमेंट, ठीक है? तो यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस, ये सारी आई एम श्योर की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एवरीबडी वांट्स। इसके अलावा आप किसी पॉइंट पर क्विट करना चाहें तो इससे पहले जो आपने जीता होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो आपने जीता होगा वो आपको मिल जाएगा, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर ये सीट खाली हो जाएगी, और आपको पता है इस सीट पर आने के लिए कितने लोग बेताब हैं। तो आप रेडी हैं? जी, ठीक है, कॉन्फिडेंट हैं? वैसे ज़िंदगी में आप प्रैक्टिकल हैं या इमोशनल हैं? प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं है? नहीं, कम नहीं, इमोशनल नहीं।
practically सारे decisions लेती हूँ। डैड decision लेती हूँ। लेकिन emotional भी होना अच्छी बात है। कभी-कभी हो जाती हूँ। रोती होंगी कभी-कभी। कभी-कभी होना पड़ता है। अच्छा, let's start जी। 5000 cash के लिए सवाल आपकी screen पर आएगा अब। मशहूर superhero Spiderman के जूते किस रंग के होते हैं? आपकी options हैं A नीले, B लाल, C काले, D ऑरेंज। स्पाइडरमैन आपने देखी है? जी जी, सेम ड्रेस होता है रेड एंड ब्लू। अच्छा, तो शूज भी उसके आई थिंक रेड। आपको रेड लग रहा है? देख लें, सोच लें आराम से। मशहूर ब्लू भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें स्ट्राइप्स ब्लू भी हैं। मशहूर सुपर हीरो स्पाइडरमैन के जूते किस रंग के होते हैं? ए नीले, बी लाल, सी काले, डी ऑरेंज। पहला सवाल 5000 कैश के लिए। बी ब्लॉक कर। बी रेड। बी रेड लॉक कर दूं? श्योर? श्योर। तुक्का है? नहीं नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। कर दें। अच्छा जी, बी लाल जरा लॉक करें इसे। लॉक हो गया। अब अगर मैं पूछूं किसी से, आप लोगों से या आपसे, कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिलनी हो, जैसे स्पाइडरमैन के पास सुपर पावर थी और बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स हैं फिल्मों के, तो आप कौन, आपको क्या लगता है कि आपकी सुपर पावर क्या होनी चाहिए? एनीवन, तुम बताओ ना बंटी, सुपर पावर अगर तुम्हें कुछ मिल सकती तो तुम क्या सुपर पावर लेती? इसको सजा देने के अलावा मैं बहुत कुछ कर सकती थी, गरीबों की मदद कर सकती थी। और आजकल जो इतने हालात खराब हो गए हैं और गरीब आवाम इतनी नहीं, लेकिन पावर क्या, जैसे सुपर पावर, जैसे स्पाइडरमैन है और कौन कौन से बैटमैन है, उनकी कोई ना कोई खास सुपर पावर है जिससे वो मदद करते हैं, तो तुम क्या करती, तुम क्या? मेरे पास सुपर पावर होती क्या? हाँ, कौन सी तुम चूज करती अपने लिए? अपने लिए सुपर पावर मैं चूज करती बहुत सारे पैसे। बहुत सारे पैसे? यानी तुम जिस चीज को हाथ लगाती वो सोना बन जाती? बिल्कुल है। और फिर इतने सारे पैसों को क्या करती? इतने सारे पैसों से गरीबों की मदद करती, कुछ अपनी आवाम के लिए कुछ फ्रेंड को दे देती। फ्रेंड नहीं है ये मेरी। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कोशिश की, अभी भी मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, भूल जाओ सारी बातों को, दोबारा से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन नहीं, इसको तो पता नहीं मुझसे है ही क्या प्रॉब्लम। मिस कर रही थी, तुम ऐसे ही उसके साथ करती हो। तुमने कब बोला मुझे? अभी थोड़ी देर की इनकी दोस्ती होती है, 2 मिनट की, उसके बाद यहाँ आके लड़ना शुरू हो जाती है। अब कैसे दोस्ती है इनकी, मुझे तो ये समझ ही नहीं आती है। अच्छा बबली, इफ यू हैड अ चांस कि आपको कोई सुपर पावर मिलती, तो क्या सुपर पावर आप देते? मेरी जब मैं छोटी थी तो एक ड्रामा आता था, वो शक्ल का बुम बुम वाला, उसके पास एक पेंसिल होती थी, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे पास वो पेंसिल होती और मैं कुछ भी बनाती ना तो वो आ जाता था। बड़ी हो जाओ, ग्रो अप, कितनी बार समझाऊंगी, बच्चों वाली बातें, पेंसिल वाली, ये वो, ये क्या बात हुई? सुपर पावर आपने पूछी, मिल जाती। इसकी ड्राइंग बहुत बुरी है, वही मैंने पूछा था ना, तो वो कह रही है कि भाई वो अभी सोचता था और ड्रॉ करने लगता था तो हो जाता था। नहीं, मुझे याद है शाकला का मोमो में वो जो ड्रॉ करता था वो बहुत अच्छे से ड्रॉ करता था और वही बनता था। आप अगर ये तो बड़ा डेंजरस पावर होगी अगर आपकी अच्छी ड्रॉइंग नहीं है तो आप, और पहली चीज क्या तुम ड्रॉ करती उसके ऊपर? मैं इसको गायब करती। मुझे गायब करने के लिए कौन सी ड्राइंग होती है पागल, तुम लोग अब हमारा टाइम वेस्ट ना करो। पहला सवाल, मशहूर सुपर हीरो स्पाइडरमैन के जूते किस रंग के होते हैं? और आपने अपना जवाब लॉक करवाया है बी लाल। लेट्स फाइंड आउट जी कि ये जवाब ठीक है कि नहीं। ब्लू क्यों नहीं आया आपके जहन में? बिकॉज उसमें ब्लू है और रेड भी है, आपने रेड क्यों कहा? रेड मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए उसके जूते लाल हैं। सोचो क्या ये क्या बात हुई कि क्योंकि मेरा फेवरेट कलर लाल है तो स्पाइडरमैन का भी हो सकता है। हाँ, अच्छा वैसे ये बंतक मुझे समझ नहीं आई है, लेकिन ओके आपके लिए काम कर गई है। दूसरा सवाल ज्वेलरी सेट के लिए है और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। मलेशिया की करेंसी का क्या नाम है? ए मलेशियन डॉलर, बी रिंगिट, सी मलाई यूरो, डी एल के आर।
मलेशियन करेंसी का क्या नाम है? ए मलेशियन डॉलर, बी रिंगिट, सी मलाई यूरो, डी एल के आर। लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, आपकी लाइफ लाइन्स हैं। कौन सी करेंगी? कॉल्स लेते जाऊंगी। अच्छा करोड़ों की कॉल। अच्छा किससे बात करेंगी? मैं अपने भांजी से बात करना चाहूंगी, ज़ारा। भांजी से? जी। आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकेंगी? क्यों, लाइक है बहुत? मास्टर्स कर रही हैं। अच्छा तो टीचर्स हैं वो। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा ठीक है जी, मिलाएं जी, कॉल मिलाएं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी खाला थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस गई हैं, ये यहाँ पे आई हुई हैं हमारे पास करोड़ों में खेल गेम शो में और दूसरे सवाल तक ये पहुँची हैं, तो ये थोड़ा सा फंस गई हैं और वो कह रही हैं कि आप उनकी मदद कर सकती हैं और सही जवाब देकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इनको लेकर जा सकती हैं। बात करें जी। हेलो ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। बोले बोले आप बोले। मलेशियन करेंसी का नाम क्या है? मलेशियन, मलेशिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? ए मलेशिया डॉलर, बी रिंगिट, सी मलाई यूरो, डी एल के आर। ऑप्शन बी रिंगिट। बी रिंगिट, ओके थैंक यू। ये उन्होंने जवाब दे दिया है, बट इट्स अप टू यू, आप आपकी चॉइस है, ऑप्शंस आपने करनी है। आपको लगता है कि ठीक होगा? इंशाल्लाह। श्योर? इंशाल्लाह श्योर। अच्छा रिंगिट बी लॉक करें तो बी जी रिंगिट हमने लॉक कर दिया है। लेट्स फाइंड आउट कि ये येलो लाइट जो है ग्रीन होती है कि नहीं। सही जवाब है। अब आपके लिए ब्रांडेड वॉच है रेबेल की तरफ से। तीसरा सवाल है गिफ्ट मंजिल का और आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। इनमें से कौन सा फल है जो सर्दियों के सीजन में पाकिस्तान में दस्तयाब होता है? ऑप्शंस हैं ए वाटरमेलन, बी मैंगो, सी ग्रेपफ्रूट, डी लीची। इनमें से वो कौन सा फल है जो सर्दियों के सीजन में पाकिस्तान में दस्तयाब होता है? ए वाटरमेलन, बी मैंगो, सी ग्रेपफ्रूट, डी लीची। मैंगो तो नहीं। मुझे आप बता रही हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा मैंगो नहीं, पक्का? ओके मैंगो तो नहीं। सोचे ये फल तो आम है, कौन किस सीजन में कब कब खाते हैं आप? कौन सा फल है सर्दियों के सीजन में पाकिस्तान में दस्तयाब होता है? वाटरमेलन, तरबूज कहते हैं उसे, बी मैंगो आम, सी ग्रेपफ्रूट, डी लीची। हाँ कर लें ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस वाली भरोसा करो, लाइफलाइन यूज करेंगी। ये सवाल है इनमें से वो कौन सा फल है जो सर्दियों के सीजन में पाकिस्तान में दस्तयाब होता है? आप जो आपके पास कार्ड्स हैं वो उठा के इनकी मदद करें। ए वाटरमेलन, बी मैंगो, सी ग्रेपफ्रूट, डी लीची। देखिए जी मुझे तो ज़्यादातर यहाँ पे सी नज़र आ रहा है, डी भी है, ए भी मुझे कहीं नज़र आया है, लेकिन भाई आखिरी फैसला तो आपका है। सी और डी में कन्फ्यूजन है ना? सी और डी में कन्फ्यूजन है। सी ब्लॉक। सी, आवाम पे भरोसा इतना? बहुत ज़्यादा। सोच लें सी। अच्छा लेट्स ब्लॉक सी, ग्रेप फ्रूट। खट्टा होता है कभी कभी, लॉक हो गया है। देखते हैं जी जवाब ठीक है कि नहीं, कि सर्दियों में ग्रेप फ्रूट अवेलेबल होता है कि नहीं। आजकल तो फल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर सीजन में ही अवेलेबल होता है, हर किस्म का फल, बट स्टिल लीची नहीं लग रहा था आपको? मुझे तो लीची भी लग रहा था। बट अब लॉक हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। गलत हुआ तो खुदाफिस, और अगर सही हुआ तो फिर आप अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट ये जवाब ठीक है कि नहीं। सही जवाब। दो लाइफ लाइन्स आप इस्तेमाल कर चुकी हैं। कुछ लोग बहुत कंजूसी से लाइफ लाइन्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सवाल आगे जाते हैं तो मुश्किल भी होती जाती है, मुश्किल सवाल भी होते जाते हैं, तो यूजली उसके लिए। लेकिन आपने तो तीन सवालों में दो लाइफ लाइन्स यूज़ कर ली हैं। अच्छा जी अब सिर्फ आपके पास ये है आखिरी सहारा आपका, देख लें
और ये मुझे कुछ ज़्यादा मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ इनसे क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी बुरा भी किया है. ये तो अपने साथ इतना बुरा करती हैं तो लोगों को कहाँ छोड़ेंगी ये. अच्छा जी, ब्रांडेड वॉच आपने जीत ली है, वेरी गुड. अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, गिफ्ट मंजिल के, जो जितवाएगा आपको 40 इंच का LED. ये आपको मिलेगा आईस्टेक की तरफ से. अच्छा जी, 40 इंच LED के लिए चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा. अब अगर इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8 बजे हैं तो सऊदी अरब में क्या वक्त होगा? ए 6 बजेंगे, बी रात के 10 ही बजेंगे, सी रात के 12 बजेंगे, डी दोपहर के 4 बजेंगे. अगर इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8 बज रहे हैं राइट नाउ, तो सऊदी अरब में क्या वक्त होगा, क्या टाइम डिफरेंस होगा? ए शाम के 6 बज रहे होंगे, बी रात के 10 बज रहे होंगे, सी रात के 12 बज रहे होंगे, या डी दोपहर के 4 बज रहे होंगे. सऊदी अरब वैसे भी 2 घंटे पीछे है, 6 बज रहे होंगे शाम के. 6 बज रहे होंगे, अभी 8 बजे हैं यहाँ पर. अगर 8 यहाँ बज रहे हैं तो वहाँ क्या टाइम होगा? 6 बज रहे होंगे ना, 2 घंटे पीछे. शाम के 6 बज रहे होंगे, सिस्टर है ना मेरी वहाँ. अच्छा, देखा ये फायदा है ना वो टाइम डिफरेंस देख के, जैसे अब अमेरिका इंग्लैंड और जगहों पे कॉल करते हैं, वो सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग कॉल करती है, वहाँ पे होना कितना काम आ गया. अर्ली मॉर्निंग कॉल करती है ना, हाँ. तो वो मुझे देख के करती है कि अब ना सोना रहे हो, 10 बजे उठ गई होंगी, वहाँ 8 बज रहे हो, बताती है. अच्छा ठीक है जी, तो फिर एक को लॉक करें जी. एक को लॉक, एक को लॉक करें जी. ये तो मुझे लग रहा है कि शायद आपका जवाब, आप तो इतनी कॉन्फिडेंटली का है ना. ठीक है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए है ना, दोस्त और रिश्तेदार. ओके जी, देखते हैं कि ये जवाब ठीक है कि नहीं. अगर यहाँ 8 बजे हैं तो वहाँ क्या टाइम होगा सऊदी अरब में? सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक हो. 2 लाइफलाइंस आपने यूज़ कर ली हैं, लेकिन आपने हमारी पहली मंजिल, गिफ्ट मंजिल जो है उसको पार कर लिया है और 40 इंच LED इस वक्त आपने जीता हुआ है. ऐश मंजिल की तरफ बढ़ते हैं. अभी तक मुस्कुराहट आपकी बरकरार है और कॉन्फिडेंस ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो गया है, पहले थोड़ा सा मुझे आप नर्वस लग रही थी. ओके, तो हम ऐश मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और जो 5वां सवाल है, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो जो कुछ ये है 5000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच और 40 इंच LED, ये सब आप जीत जाएंगे. ठीक, सवाल की तरफ चलें. अच्छा जी, ऐश मंजिल 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब. मौसीकी के मशहूर साज तबले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए अशिको, बी टबल, सी ड्यूनन, डी डबॉल. मौसीकी से है आपको कोई शगफ? इतना नहीं है. गाने वाने नहीं सुनती? सुनती हूँ लेकिन ये इतना नहीं इतना है. PhD की भी आप किसको किसको सुन रही, किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? मूड के, मूड के पर डिपेंड करता है. हाँ बताएं ना कि अगर आप उदास हो तो किस तरह के गाने? सैड सॉन्ग. उदास हो तो नहीं, तो अगर आप उदास हैं, उदास गाने सुनेंगी तो और उदास हो जाएंगी. फिर तो आपको खुशी के गाने सुनने चाहिए. सिंगर आपको कौन पसंद है? सिंगर मुझे कौन पसंद है? आतिफ. हाँ, आतिफ असलम. आतिफ जी. अच्छा, आतिफ असलम, वेरी गुड सिंगर. तुम लोगों को कौन पसंद है? तो मैंने तो सुना तुम लोग अच्छा गाना गाती हो, को थोड़ा सा गुनगुना दो. हाँ कम ऑन. नहीं बंटी, में मेरे कान फट जाएंगे. मैं नहीं गा रही. गाना गाना बताओ, बताओ गाना आता है? थोड़ा गुनगुना दो यार. नहीं आता. मौसीकी के सवाल है कोई भी यार. गुनगुनाओ. कॉन्फिडेंस है तो क्या मतलब, गाना सीखना पड़ता है, ऐसे थोड़े ना गाना आ जाता है. नहीं तो हम तुम्हें रोक देंगे अगर बहुत बुरा हुआ तो. उसी बात कान बंद कर देंगे. हाँ, बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, कहेंगे इसको उठा के ले जाओ. भाई देखो, गाना अगर तुम बहुत अच्छा नहीं गा सकती तो गाना अगर तुम बुरा भी गाती हो तो वो भी किसी को टॉर्चर देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. देखो हर चीज़ का कोई ना कोई फायदा होता है ना. तभी कह रही है मत गाओ, थोड़ा सा गुनगुना दो. आतिफ का गाना कोई गुनगुना दो. मैं नहीं गा सकती, कैसे गुनगुनाओ? अच्छा बबली, तुम हिम्मत करो, तुम गा सकती हो. सुना? नहीं नहीं, मुझे भी गाने गाने नहीं आते. ओ क्यों गाने? हाँ बोरिंग भाई, तुम लोग बहुत जो है ना मुझे बोर कर रहे हो आज. अच्छा जी, मौसीकी के मशहूर साज तबले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए शिको, बी तबल, सी ड्यूनन एंड डी डबॉल. बंटी और बबली की लाइफ लाइन लास्ट है ना. बंटी और बबली.
लास्ट ईयर हाल देख लिया है ना आपने इनका. वांट टू यूज आप लाइफलाइन यूज करना चाहती हैं? प्लीज हेल्प मी जी. हां हां भाई बंटी बबली. अच्छा बंटी इज सेइंग कि ए एंड डी अशिको एंड अच्छा बी एंड सी क्या है? डबल एंड डी कर रही हैं या कंफ्यूज कर रही हैं? आपने किसी एक को चूज करना है, किसी एक का जवाब ठीक है. ये खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझती है. समझती क्या मैं हूँ होशियार? ओह रियली? यस. ये तो कंफ्यूज हो गई हूँ इनकी वजह से, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ यहाँ पे. तो बस आपको चूज तो करना पड़ेगा. आपकी तीसरी लाइफ लाइन है ये, आखिरी लाइफ लाइन है. लास्ट है ना. अगर आप क्विट करेंगी 40-inch LED आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो आई एम सॉरी, फिर तो खाली हाथ जाना पड़ेगा. क्विट कर लेंगे. क्विट करेंगी? इतनी जल्दी हार मान लेंगी? तो थोड़ी हिम्मत करें, इट्स अ गेम, कोई बात नहीं. अच्छा बोलूं? क्या बोलूं मैं? मुझे जो लग रहा है मैंने आपको बता दिया. इसको जो लग रहा है हमेशा की तरह बेवकूफ, वही बताएगी आपको. बच्चों वाली सोच है ना, बड़ी नहीं हुई अभी तक. शाकला का बॉम बॉम वाली पेंसिल चाहिए इसको, कार्टून्स देखने हैं, चॉकलेट्स खानी है. हेल्प कर लो उनकी. कर रही हूँ. फिर ये हेल्प नहीं है. ये हेल्प नहीं है तो और, ये तो कुछ और ही है. टॉर्च? कौन सा टॉर्च? ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है, ये वो वाली हेल्प है. क्यों टॉर्चर कर रही हो? मत करो, बेचारी कंफ्यूज हो रही है हमारी बातों से हो रही है. बंटी इज सेइंग ए एंड डी एंड बबली सेइंग बी एंड सी. देखा? क्विट करेंगी? श्योर? ओके. आपने जीता है 40-inch LED. तो आप बाकी बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, है ना जी. और बड़े एहतियात से हर काम करती हैं जी, है ना. ये आपकी, मुझे लगा कि आपकी शख्सियत में है. थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे आई. एक सेकंड मैं वैसे आपसे पूछ लूँ कि देखें ये जो अजीब अजीब यहाँ नाम लिखे हुए हैं, अगर आपको ऑप्शन लेनी पड़ती तो आप इन दोनों में से किसके साथ चले जाती या कौन सी ऑप्शन लेती इनमें से? जस्ट लाइक दैट देखते हैं. बबली की बंटी? बबली. बबली? अच्छा जी, बबली के ऑप्शंस को लॉक करें. लेट्स फाइंड आउट कि सही जवाब है कि नहीं. बी एंड सी? नहीं, बी एंड सी इसका था. बबली इज बी एंड सी. बबली एंड ए एंड बी एंड सी. बबली, राइट. सही जवाब होता आपका. सही जवाब होता और आप गिफ्ट मंजिल के सारी चीजें जीत जाती. इसमें 5000 कैश था, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच, 40-inch LED. अब अफसोस नहीं हो रहा आपको? लेकिन लालच बुरी बला है. लालच तो बुरी बला है, लेकिन आपका जवाब ठीक था. तो कंफ्यूजन थी ना, बी एंड सी एक करना था ना, बी या सी या नहीं, उन्हें बबली या बंटी के साथ जाना था जी. बी एंड सी नहीं करना था, जो ए एंड डी उन्होंने कहा था और बी एंड सी. तो आपने या बबली के पास एक सही जवाब था या बंटी के पास एक सही जवाब था. बट इट्स टू लेट. कोई बात नहीं जी, लेकिन आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रही हैं. 40-inch LED आपने जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू वेरी मच. हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पे बैठे हैं, 5 कंटेस्टेंट्स हैं और आप लोगों की बारी आ गई है. आपको फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा सारा, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, इससे पहले कि मैं आपको आर या पार की तरफ लेकर जाऊँ. रबिया. हाँ जी रबिया, वेलकम टू द शो. क्या करती हैं आप, कहाँ से? स्टडी करती हूँ मैं, कराची से ही हूँ. अच्छा, कहाँ क्या स्टडी करती हैं? कहाँ? ग्रेजुएट कर रही हूँ मैं अभी. अच्छा, आगे क्या इरादे हैं? मास्टर्स करूँगी. किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स. अच्छा, इकोनॉमिक्स इज योर सब्जेक्ट. इंटरेस्ट है आपको? जी. होम इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स. जबकि इकोनॉमिक्स तो घर में भी चलती है अदरवाइज भी. तो ये जो आप, जाहिर है इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तो इकोनॉमी में आपका इंटरेस्ट होगा. जो हालात हैं आपका क्या है कॉमेंट? ओपिनियन तो अभी कोई नहीं है, जैसे कि अभी पढ़ूंगी तो फिर उसके बाद बताऊंगी. इकोनॉमिक्स में अभी मास्टर्स किया है नहीं है, करूंगी. आप करेंगी, लेकिन इसमें जैसे इंटरेस्ट होता है ना, तो आप शुरू से यू नो इर्द गिर्द जो हो रहा होता है तो आपकी एक नज़र होती है उस पर, या आपकी एक ओपिनियन होती है, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट और इंटरेस्ट है आपका जी. तो नेचुरली आपका एक इंक्लिनेशन होती है उसकी तरफ से. तो अभी आपके क्या जहन में कुछ नहीं है? नो आइडिया. नो आइडिया अभी? नो आइडिया. तो इकोनॉमिक्स चूज क्यों किया फिर? अभी फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हूँ मैं बहुत. डिसाइड भी कर लिया है? और अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ना शुरू किया आपने और आपको ना मज़ा आया या आपको
फेल हो गई या आपको लगा कि भाई ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है? आई मीन टू से व्हाई आर यू टेकिंग इट? अगर आपको उसमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे क्या करना है आगे जाके. अच्छा ठीक है. पढ़ा हुआ है वैसे मैंने इकोनॉमिक्स. तो आपने फॉर्मेट तो देखा है इसका, आपको क्या लगता है कि सवाल आसान है या आप दे सकती थी? कितने सवालों के जवाब आते थे आपको? काफ़ी आते थे और जो नहीं आते थे उनका कोई आइडिया भी नहीं था. अच्छा ठीक है, चलें अगर आप यहाँ पे आती हैं तो फिर आपसे आगे भी बात होगी. वालेकुम सलाम. हसन नाम है मेरा जी. ये प्राइवेट जॉब करते हैं. अच्छा, क्या किस तरह की आपकी जॉब है, क्या करते हैं? टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह. अच्छा ओके, तो यहाँ स्क्रैच कार्ड के थ्रू आए? स्क्रैच कार्ड के थ्रू आए. तो आप क्या कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि आप सवाल के जवाब दे सकेंगे, कुछ जीत के जाएंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल. ऐसा लगता है आपको? आप क्या अच्छे थे स्टडीज में इन योर स्कूल? जी बिल्कुल. किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट था? मैथ्स. मैथ्स में, हिसाब में जी. अच्छा ठीक है, फिर आप अल्लाह करे आप यहाँ पे आए और उसी किस्म के आपको सवाल आए. बेस्ट ऑफ लक जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सदफ नाम है जी. सदफ हाउस वाइफ, बी एस सी क्वालिफिकेशन. अच्छा बी एस सी आपने किया जी. और उसके बाद फिर आगे उसके बाद बस घर शादी. अच्छा तो आपको लगता है कि जो खवातीन हाँ. तालीम हासिल करती हैं उनको आगे भी उस पर कुछ करना चाहिए, आपको ये फील होता है? हाँ करना चाहिए. हाँ तो आपको ये लगता है कि अगर घरदारी वेरी वेरी लेकिन मुझे बच्चों में और अपने घर में मजा आ रहा है. वो तो एक पीएचडी है हाँ. ना बच्चों के अंदर हाँ. तो अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करती लाइक अगर आपके पास होता ऐसा मौका? सिंगिंग में जाती. सिंगिंग में? क्योंकि नाते अच्छी पढ़ती हूँ, सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ. वाओ प्लीज आप हमें कुछ सुना दें. सुनाओ पक्का. प्लीज मैंने पक्का आपके लिए पैरोडी तैयार की है. अच्छा प्लीज सुनाइए ना. चलिए छोटी सी पोयम है हाँ. वो मैं आपको तीन तरीके से पैरोडी छोटी छोटी सी. लवली वेरी गुड. सबसे पहले तायरा सैयद की आवाज में हाँ. बेबी बेबी यस मामा, ईडी शुगर नो मामा, टेलिंग लाइस नो मामा, ओपन योर माउथ हा 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 हा. अब यही पोयम अताउल्ला ऐसा खैलवी की आवाज में. वाह जी. बेबी बेबी यस मामा, बेबी बेबी यस मामा, ईडिंग शुगर नो मामा, के टेलिंग लाइस नो मामा, के टेलिंग लाइस नो मामा, के टेलिंग लाइस नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा. अब यही पोयम शाजिया खुश की आवाज में. अच्छा ओ बेबी बेबी यस मामा, हो बेबी बेबी यस मामा, हो बेबी बेबी यस मामा, हो ईडिंग शुगर नो मामा, हाँ ईडिंग शुगर नो मामा, हाँ टेलिंग लाइस नो मामा, ओपन योर माउथ हाँ. वाह 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 वाह. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी. वेरी वेरी इस तरह की हाँ पहले कुछ चीज इस तरह की मैंने आई डोंट थिंक सो सुनिया. देखो तुम लोग देखो कितना अच्छा उन्होंने गा के सुनाया है. बिल्कुल ठीक. तुम लोगों का तो टैलेंट ही मुझे समझ आ रहा है कि कौन सा टैलेंट है तुम में. थैंक यू वेरी गुड जी. थैंक यू. आई मीन ये तो आपने यू नो एक एंटरटेनमेंट हमें प्रोवाइड किया. सो गुड. थैंक यू. वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम अदील है और मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में. किस तरह की जॉब क्या क्या करते हैं? सॉल्ट कंपनी है. अच्छा उसमें आप जॉब करते हैं? जी सॉल्ट के लैंप्स वगैरह बनते हैं. अच्छा ओके. तो स्क्रैच कार्ड आपने किया यहाँ या आपने सोशल मीडिया पे जाके? नहीं नहीं सवाल स्क्रैच कार्ड के जरिए मैं आया हूँ. अच्छा जी. कॉन्फिडेंट हैं? जी इंशाल्लाह. इनकी तरह कोई और टैलेंट है आप में जो शेयर करना चाहेंगे? इस तरह का टैलेंट कोई नहीं है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम आमना है और आई एम डूइंग मास्टर्स. किस चीज़ में? क्रिमिनोलॉजी. अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आपका इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ? मतलब मुझे इंटरेस्ट था इन्वेस्टिगेशंस और पुलिस वगैरह में, तो मुझे ये सब्जेक्ट ऐसे लगा कि ये मेरे लिए ही है तो मुझे. अच्छा दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत कम लोग बने इसकी तरफ आते हुए. देखिए आपके जैसे वेयर आर यू स्टार्टिंग दिस? के यू तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इसके या कम है? स्टूडेंट्स हैं. मैं पहले इसके कम थे लेकिन अब डे बाई डे इसके स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं आप. इसकी तरफ इस फील्ड में ज़्यादा लोग आ रहे हैं अब. अच्छा जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आप किस तरह के फील्ड्स में जाते हैं? पुलिस में जाते हैं या पुलिस है, एफआई है और एनजीओज हैं जो मतलब कि सोसाइटी में अब वर्किंग कर रही होती हैं. और आपका कहाँ क्या करने का इरादा है? क्रिमिनोलॉजी में देखिए जैसे फोरेंसिक्स भी है. फोरेंसिक्स है
तो हमारे मुल्क में फोरेंसिक्स इज मुझे नहीं लगता कि नहीं फोरेंसिक्स के इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक पंजाब में इंस्टीट्यूट है जो है क्रिमिनोलॉजी के लिए, तो फोरेंसिक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारा कोई सेटअप इतना अच्छा है। वेरी इंटरेस्टिंग जी, थैंक यू। और इससे पहले कि हम आर पार की आर्या पार की तरफ जाएं और आपको सवाल बताएं और आप उसका जवाब दें और हम देखें कि कौन सा कंटेस्टेंट हमारे पास यहाँ आता है, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट स्टे विद अस। जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने कंटेस्टेंट से, अभी हम इनको एक सवाल बताएंगे और ऑप्शंस बताएंगे चार, और जो सही जवाब देगा और सबसे पहले जवाब देगा वो मेरे पास यहाँ पे हॉट सीट पर आ जाएगा और फिर हम खेलेंगे करोड़ों में खेल। आप रेडी हैं जी? ठीक है, आपके सामने सवाल आएगा, चार ऑप्शंस होंगी, आपने उसका सही जवाब तो जो भी आपने देना है, जो सबसे पहले जवाब देगा वो यहाँ पर आएगा। रेडी जी? सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। Starting with the least, arrange these Urdu numbers in increasing order. Options आपके सामने हैं, A 75, B 89, C 40, D 15. Time कम है आपके पास, least सबसे छोटे से arrange these Urdu numbers in increasing order. स्टॉप। 30 सेकेंड्स थे, हो गया ना, अभी आपको रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिजल्ट मेरे सामने हैं। चार लोगों ने सही जवाब दिया है, एक ने गलत जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है, जो गलत जवाब है वो सबसे पहले दिया है, लेकिन 4.2 सेकंड्स में दिया है लेकिन गलत दिया है। सदफ़ ने गलत जवाब दिया है, बाकी चार लोग जिन्होंने सही जवाब दिया है उनमें सबसे जल्दी जवाब देने वाली हैं आमना, 5.1 सेकंड में आपने जवाब दिया है। आ जाइए आमना। वेलकम आमना। अच्छा, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप क्रिमिनोलॉजी कर रही हैं। मैं अभी तक आई डोंट थिंक मैं किसी ऐसे लड़के से या लड़की से, मेल या फीमेल से मिली हूँ जो क्रिमिनोलॉजी में इतना इंटरेस्टेड हो। कैसे इस तरफ रुझान हुआ और फैमिली ने कहा कि हाँ ये कर लो? न्यू फील्ड थी और मुझे ना इंटरेस्ट है कि न्यू चीज़ में, मतलब कि न्यू चीज़ें मैं सीखूँ। और फिर ये था कि सोसाइटी में इतने क्राइम्स और ये, मतलब कि तो फिर ये था कि हाँ अपना कोई रोल प्ले करें। आपको, आप क्या, जैसे मोस्टली ये होता है हमारे कि आप पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने बीएससी वगैरह किया, बीएससी उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर लाइफ उस तरह दूसरी हो जाती है बिजी, तो आप अपने पढ़ाई को फिर यूज़ नहीं कर सकते। मियाँ के साथ वैसे अच्छा है, क्रिमिनोलॉजी यूज़ हो सकती है ना? हाँ, घर में आई थिंक घर में बिल्कुल यूज़ हो सकती है, ये सब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है ना? तो आप आगे परसू करोगे इसको या? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप किस फील्ड में इसमें जाना चाहोगे? क्रिमिनोलॉजी इज़ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन। हाँ देखा ना, ये तो बहुत घरेलू काम निकल आया है, है ना? सबसे बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन अच्छा कर सकती है, लेडीज अच्छा कर सकती है, लेडीज अच्छा, एक तो हाँ वैसी इंस्टिंक्ट होती है ना, छठी हिस्स होती है आपकी, तो दिस इज़ वेरी मोस्टली जो क्रिमिनोलॉजी है या जो जिसमें आप जाना चाहती हैं वो स्पेसिफाइड होता है किसी क्राइम के लिए, जैसे आप मर्डर्स या इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें फ्रॉड्स भी होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो हर चीज़ ही आ जाती है, तो इस फील्ड में नहीं भी? हम लोग अभी तो बेसिकली अभी हमें इन्वेस्टिगेशन से इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, तो फिर आप एम फिल या पी एच डी में गए तो वो फिर स्पेसिफिक आप किसी फील्ड में जा रहे हो। अच्छा, ओके, क्योंकि मैं, मुझे फोरेंसिक्स पे बहुत इंटरेस्ट है, तो आई वॉच दैट, यू नो नेटफ्लिक्स पे भी सीरीज़ है वो मैं रेगुलरली देखती हूँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ठीक है, वेलकम टू द शो। फॉर्मेट आपसे पहले जो यहाँ पे मौजूद थी, है ना, मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया था, तो आई होप कि आपको पता है ये क्या है, गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है, सवाल है, ऑप्शंस हैं, तीन लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, भरोसा करो, आप ऑडियंस से मदद ले सकती हैं, करोड़ों की कॉल आप किसी
फ्रेंड को या जिसको आप समझें कि जब आप आता है मदद के लिए आप उनको कॉल कर सकती हैं। और बंटी और बबली, करोड़ों की कॉल आप 15 को तो नहीं कर देंगी? नहीं। अच्छा, ओके। बंटी और बबली यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये PhD इन्होंने किया हुआ है हर चीज़ में, इन्होंने हर चीज़ में PhD किया हुआ है। हाँ, PhD किया हुआ है और ये बहुत लायक बच्चियाँ हैं, बहुत लायक बच्चियाँ हैं। क्या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इनका क्या करें, कोई डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं है कि हम इनको वहाँ भेज दें, इतनी ये पढ़ी लिखी हैं, तो ये आपकी मदद करने की कोशिश करेंगी। अच्छा जी, गिफ्ट मंजिल में हमारे पास जो गिफ्ट्स हैं आपके लिए, जिसके साथ हम शुरू करेंगे, 5000 कैश है हे की तरफ से, ज्वेलरी सेट है हैश ब्रांडेड वॉच रेबेल 40 इंच LED। नर्वस तो नहीं हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे, बिकॉज जिस फील्ड में आप पढ़ रही हैं उस पर तो कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी होता है जी। यू मस्ट बी गोइंग टू सम एंड डीलिंग विद सम केसेस, कुछ असली केसेस को आपने फॉलो किया अभी, या जैसे आपको लेकर जाएं और चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो, जस्ट टू यू नो आपको सिखाने के लिए? सिर्फ ना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, मतलब कि अभी हमारे सेमेस्टर वाइज चल रहे होते हैं तो अभी हमारे इंट्रोडक्शन में है। अच्छा, ओके, ठीक है जी। गिफ्ट मंजिल, फर्स्ट क्वेश्चन 5000 कैश के लिए, और आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम, आखिरी दिन पाकिस्तान के किस शहर में गुजारे थे? ए कराची, बी लाहौर, सी क्वेटा, डी इस्लामाबाद। मुझे कराची और क्वेटा में लग रहे हैं। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम पाकिस्तान के किस शहर में गुजारे थे? कराची, लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद। इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। सी, सी। श्योर? श्योर। लॉक कर दूं? यस, लॉक करें जी। सी क्वेटा। जवाब इनका ठीक है, गलत है, क्या ख्याल है आपका? नोट पे तस्वीर उनकी देख के तो बहुत खुश होती हो। बहुत सारे पैसे जाएंगे। हाँ। पता ही नहीं है कुछ, तुम बता दो, तुम्हें पता है? मे बी आई थिंक सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। एंड व्हाट अबाउट यू? यस, आई थिंक सो। ओह, आई थिंक सो, इसको कुछ नहीं पता। सी आपने लॉक किया है। क्वेटा, लेट्स फाइंड आउट कि जवाब सही है कि नहीं। सही जवाब, क्वेटा रेजिडेंसी का आपने ज्यारत में सुना होगा उसका नाम, वहाँ पे गुजारे थे 2 months, 2 महीने 10 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे थे। 5000 कैश, मुबारक हो आपको। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ज्वेलरी का शौक है आपको? ज़्यादा नहीं है, तालीम एक जेवर है उस टाइप का। हाँ, पर वैसे आपको क्या पसंद है? जैसे कुछ लोगों को नोज पिन पसंद होती है या टॉप्स या यू नो। मुझे वॉच पसंद है। वॉच, टाइम, टाइम बहुत कीमती चीज़ है ना, जेवर है। ओके, तो इसका मतलब है फिर आप पंक्चुअल वगैरह भी होंगे। आगे ब्रांडेड वॉच भी है हमारे पास, ज्वेलरी सेट तो क्या करेंगे, आपको तो ज़्यादा शौक नहीं, किसको दे देंगी तोहफे में या रखेंगी? रख लूंगी। हाँ, रख लूंगी, रख लूंगी। चले, रख लूंगी, है ना। गिफ्ट तो वैसे भी नहीं कहीं भी जाता ना, गिफ्ट तो अपने पास ही रखा। हाँ, वाकई, और आपने ये जीता है, यू नो, तो इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, ज्वेलरी सेट के लिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। पाकिस्तानी सियासत में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज NRO का फुल फॉर्म क्या है? एब्रिविएशन है ना ये? बी। ऑलरेडी पता है जी। अच्छा, हाँ, ये तो सारा क्रिमिनोलॉजी जो है, है ना, इसका तो अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। आर यू श्योर? मैं तो अभी ऑप्शंस भी नहीं पढ़ी हैं। श्योर, श्योर। ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। ए है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, बी नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, सी नॉन रिलायबल ऑर्डिनरी, डी नेशन रिकंसाइल ऑर्गेनाइजेशन। आपने कहा है बी, नेशनल रिकंसिलिएशन। अच्छा, बी ऑप्शन जी, बहुत कॉन्फिडेंट है इसलिए हम दोबारा नहीं पूछेंगे, लॉक करें। बताओ ना क्या मत NRO का क्या है? सही जवाब दिया। अच्छा, तुमने देखा है ना कि वो जरा नहीं नहीं उसको पता है, कॉन्फिडेंट दिखाया तो साथ मिल गई हो तुम, थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हो। क्या होता है NRO? होता क्या है, रहते हैं ना। बताओ NRO क्या होता है? आपने बता तो दिया। क्या मैंने बताया? बी ऑप्शन में जो बोला है आपने वही तो है। मतलब क्या करते हैं? यहाँ तुक्के नहीं चलेंगे। बताओ फिर, बताओ। सियासत में यूज होता है ना, हर वक्त टीवी पे चलता रहता है कि
फला को एनआरओ मिल गया, उसको ना मिल जाए एनआरओ एनआरओ। शायद पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बचने के लिए कुछ क्राइम्स किए उससे बचने के लिए करते हैं। यही होता है केसेस से बचने के लिए। सही कहा है वैसे इसने, है ना, मुझे लग रहा। लेट्स फाइंड आउट कि जवाब ठीक है कि नहीं। सही जवाब, ये एनआरओ जो है का तोहफा हमें मुशरफ साहब ने दिया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको आई थिंक 2009 में ख़त्म कर दिया था आई थिंक, बट स्टिल आई थिंक इट्स बीइंग यूज्ड, आई डोंट नो। अच्छा जी, तीसरा सवाल ब्रांडेड वॉच के लिए, जो आपको अल्लाह करे बहुत अच्छा वक्त दिखाए। आपकी स्क्रीन पर आएगा तीसरा सवाल अब। दुनिया का वो कौन सी स्टेट है जिसके हाईवेज पर ओवरटेक करते वक्त हॉर्न देना ज़रूरी होता है, गाड़ियों को हॉर्न देना ज़रूरी होता है? ए न्यू जर्सी यूएसए, बी जीजांग चाइना, सी वेल्स यूके, डी केपीके पाकिस्तान। मैं श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन श्योर यूज़ करें कौन सी? कॉल करेंगे आप किसको? करोड़ों की कॉल किसको करेंगे? मैं अपनी फ्रेंड को करेंगे। कौन, क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? उनका नाम रुखसाना। अच्छा, और उनको आपने क्यों चूज़ किया है कॉल करने के लिए? वो थोड़ी सी मतलब कि ना इंटरनेशनल, उन्होंने आई आर जैसे कराया तो उनको इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है कि अच्छा रहती है, तो आपको लगता है वो आपकी हेल्प आपको हेल्प आउट कर सकेंगी। ओके, इधर आपका कोई वो भी नहीं है लाइक कन्फ्यूजन किसी दो दो या तीन? मुझे चाइना और यूएसए में है, इन दोनों में है। ओके जी, कॉल मिलाइए। हेलो हेलो, रुखसाना बात कर रही है? जी रुखसाना बात कर रही हूँ। रुखसाना, मैं गेम शो बोल के गेम शो करोड़ों में खेल से बात कर रही हूँ, मारिया वास्ती। कैसी हैं आप? आपकी एक फ्रेंड यहाँ बैठी हैं और वो आप पे बहुत डिपेंड कर रही हैं क्योंकि वो एक सवाल पे फंस गई हैं और उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ओवर टू हर, लेकिन आपके पास 60 सेकंड्स हैं पूरी बात करके जवाब देने के लिए। जी बात करें। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि दुनिया का वो कौन सी स्टेट है जिसके हाईवेज पर ओवरटेक करते वक्त मतलब गाड़ियों को हॉर्न देना ज़रूरी होता है? यूएसए, न्यू जर्सी, चाइना, केपीके पाकिस्तान, यूके। न्यू जर्सी। श्योर? न्यू जर्सी जो पहले यही लग रहा था। अच्छा, ऐसा वो शोर तो नहीं लग रही थी मुझे ज़्यादा, मुझे कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया? हाँ, इनके स्माइल से तो लग रहा है दैट शी इज़ कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, एक ही ऑप्शन हम लॉक करते हैं, लेकिन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद आके हम इस सवाल का जवाब चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं। स्टे विद अस। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो कंटेस्टेंट हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उनसे हमने सवाल किया था ब्रांडेड वॉच के लिए दुनिया की वो कौन सी स्टेट है जिसमें आप जब हाईवेज पे होते हैं तो ओवरटेक करने के लिए आपको हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ऑप्शन ए लॉक कराई है विच इज़ न्यू जर्सी यूएसए। लेट्स फाइंड आउट कि जवाब ठीक है कि नहीं। सही जवाब है, 1928 से ये कानून है न्यू जर्सी में। वैसे तो आपने नहीं देखा ट्रकों पे लिखा होता है हॉर्न देकर पास करें, तो ये तो केपीके पूरे पाकिस्तान में भी यही होता है, बट यहाँ पे सुनता नहीं है ना, सब सुन लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ की आप सड़कों पे आई थिंक जो यहाँ पे पाकिस्तान में गाड़ी चला लेना वो या तो दुनिया में कहीं पर भी गाड़ी चला सकता है या वो गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं रहता। हाँ। है ना, आप ड्राइव करती हैं? नहीं नहीं करती,
तो मैंने तो इसलिए छोड़ दी कि लाइक ट्रैफिक सिस्टम बहुत हाँ बिल्कुल ख़राब है और हाईवेज जो हैं हमारे मैं मोटरवे की बात नहीं कर रही वैसे हाईवेज जैसे तो उनके ऊपर तो एक और ही तरह का सिस्टम है ना ट्रक्स जा रहे होते हैं और आपने ट्रक्स तो मुझे कई तो लगते हैं उन पर इतना वेट होता है कि वो यूं करके गिर जाएंगे ओवरलोडेड होते हैं बहुत ज़्यादा आई थिंक हमें कुछ लॉज बनाने चाहिए उन पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और कम अज़ कम जो चीज़ें आपको पता है खुद व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग एंड लॉज एंड ट्रैफिक लॉज हमें उनको खुद फॉलो करना चाहिए अच्छा जी ब्रांडेड वॉच तीसरा सवाल ये आपने सही जवाब दिया ब्रांडेड वॉच आपको मिल गई ओके जी चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 40 इंच LED के लिए टीवी वगैरह देखते हैं आप कौन से प्रोग्राम्स देखना आपको पसंद है बोल का गेम शो अच्छे लगते हैं चैलेंजिंग लगते हैं आपको इससे पहले आपने किसी में हिस्सा लिया स्कूल में कॉलेज में अदरवाइज हाँ स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेशन की अच्छा तो क्या लाइक कभी कुछ जीता है आपने या जीते भी हैं अच्छा तो जब हारते हैं या नहीं जवाब आता है या वट एवर तो उसके बाद मायूसी होती है ये क्या होता है कि इट्स अ गेम चलता है सब कुछ गेम में तो सब कुछ होता है ओके गुड दैट्स द स्पिरिट अच्छा जी 40 इंच LED के लिए गिफ्ट मंजिल का चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब धात है जिसको अगर गर्म पानी में डाला जाए तो वो आग पकड़ लेती है ए आयरन बी लेड सी सोडियम डी लिथियम वो कौन सी धात है जिसको अगर गर्म पानी में डाला जाए तो वो आग पकड़ लेती है ए आयरन बी लेड सी सोडियम डी लिथियम कंफ्यूजिंग है केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है फिर कहीं आग लग गई इन्वेस्टिगेशन करने जाना हुआ तो पता होना चाहिए ना फिर तो सब ये तो फोरेंसिक्स का भी हिस्सा है फिर आप पता करते हैं कि आग कैसे लगी थी क्या हुआ था हमने हमारा ये किसने लगाई थी किस तरह आर्सन है या यू नो एक्सीडेंटल है लाइफलाइन कौन सी लाइफलाइन बंटी और बबली जरा थोड़ा सोच के कहा है बंटी बबली आ गई है तुम लोगों की बारी वो कौन सी धात है जिसको अगर गर्म पानी में डाला जाए तो वो आग पकड़ लेती है ये धात की बात है तुम लोगों की बात नहीं है ठीक है वैसे तो तुम लोगों की बातों से भी आग लग जाती है ना कम क्या ऑप्शंस हैं आयरन बी लेड सी सोडियम डी लिथियम बंटी ने कहा है सी एंड बी सोडियम एंड लेड और बबली सिंह ए एंड डी आयरन लिथियम बबली ए एंड डी में से कोई है सोच लिया है या हाँ आयरन या लिथियम अच्छा जी ठीक है लॉक करें फिर आयरन या लिथियम लॉक करें इसको तुम्हें कैसे पता है ये बात तुक्का तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं मुझे लगा कि इन दोनों में से कोई एक हो तो ये तुक्का ही होता है जो मुझे लगा ये तुक्का आग लगाने का कोई तरीका और बताओ माचिस के अलावा और वैसे माचिस इनके पास ले जाओ खुद लग जाएगी कौन सी माचिस तुम्हारी जुबान वाली माचिस ही है इसके अलावा कौन सी है तुम लोग जिस तरीके से आग लगाते हो वो बताओ मुझे बताओ जरा ऐसी बात जिससे चिढ़ जाए कोई ऐसी बात जिससे चिढ़ जाए कोई आग लगाने बड़ा आता होगा मजा कब आता है दिमाग खराब करती रहती है खामखा ऐसे अच्छा जी बबली के साथ आपने कहा है कि जी इनकी आप ऑप्शंस कंसीडर कर रही हैं ओके जी आयरन है और लिथियम चले देखते हैं कि जवाब ठीक है कि नहीं गलत जवाब सोडियम इज द राइट आंसर ये आग लगाती रहती है ना इसलिए इसको पता है इसलिए सोडियम इज द राइट आंसर आई एम सॉरी आप का जवाब गलत है बट थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू बजर बज गया है दैट मीन्स हमारे एपिसोड का वक्त भी ख़त्म हो गया है लेकिन उससे पहले स्क्रैच कार्ड क्योंकि हमारी जो ऑडियंस आई होती है हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ से हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और खाली हाथ ना जाए तो जो स्क्रैच कार्ड्स हैं आपके पास प्लीज़ उनको निकाल लीजिए यहाँ पे एक व्हील स्पिन करेगा और लकी नंबर मैं आपको बताऊँगी और जो जिसका लकी नंबर आएगा वो यहाँ से एक ब्रांड न्यू बाइक लेकर जाएगा अच्छा जी स्क्रैच कार्ड्स आप निकाल लीजिए व्हील जो है वो स्पिन करेगा अब 1, 2, 3 स्टॉप और लकी विनर उनका नंबर है A11226104 16 किसका नंबर है ये वेरी गुड आ जाइए
बहुत बहुत मुबारक हो, यू वन अ बाइक। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ आएंगे और ये 100 रुपए का है जी? बाहर से ही लिया था। हाँ, बाहर से ही लिया था। बाहर से लिया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 रुपए का आप स्क्रैच कार्ड लेंगे और बाइक निकल आएगी? सोचा भी नहीं था। आपके पास बाइक है वैसे? नहीं, बाइक नहीं है, पहली बाइक है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी जल्दी में है कि जल्दी से जाएं और वो बाइक ले लें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आ गए हैं अपने एपिसोड के एंड पर, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे अगेन मुलाकात होगी। कंटेस्टेंट होंगे आर्या पार होगा और फिर ये हॉट सीट होगी और मैं होंगी और होंगे करोड़ों के इनाम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।